चलो बेटा प्री एंड पोस्ट वाले चैप्टर के ऊपर आओ। हाँ पेज नंबर 4 पे आ जाओ भाई, जहां इंट्रोडक्शन हमारे पास गिवन है, प्री एंड पोस्ट की जो फाइल मैंने तुम लोग को अभी प्रिंट आउट करके दिए बेटा, इसके अंदर ज्यादा कोई टॉपिक है नहीं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है और जस्ट मुझे यहाँ पर एक सिचुएशन चेक करनी है, उसके बाद ये टॉपिक हमारे पास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज आज मैं सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, इस चीज के लिए तुम लोग मत डरो, ठीक है। क्वेश्चन मैं तुम लोग को 2 दिन में दूंगा, बट टॉपिक हम लोग अभी खत्म कर लेंगे, टॉपिक के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। कौन से है? तो करना वो भी, चलो बेटा एक सिचुएशन लिखो, एक कंपनी है हमारे पास, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी है बेटा एबीसी लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी हमारे पास में रनिंग बिजनेस को शो कर रही है, अब ध्यान से सुनना, भी सिर्फ 15 मिनट का टॉपिक है। एक कंपनी है हमारे पास में एबीसी लिमिटेड, जिसका रनिंग चल रहा है, यानी कि बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर हम लोग उसके बिजनेस को देखते हैं तो हमारा मन करता है भी अगर ये कंपनी हम लोग परचेज करना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। किसी के बिजनेस को तुम देख रहे हो, तुम्हें लगता है भी इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो उस केस में तुम्हारे मन में ये आ रहा है भी अगर ये बिजनेस मुझे मिल जाए, मैं अगर इसको टेक ओवर कर लूँ तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ये वाली बात तुम्हारे माइंड में आ रही है, चलो ठीक है सर, ये बात हमारे माइंड में आ गई, अच्छी बात है। अब ये बात जब तुम्हारे माइंड में आई तो उस केस में तुम क्या कह रहे हो भी, मुझे ये कंपनी खरीदनी है, ठीक है। तो फिर तुम उस केस में क्या कर रहे हो, इस कंपनी के पास जा रहे हो और वहां से तुम इनके सामने प्रपोजल रख रहे हो भी, तुम्हारी नेटवर्थ है 50 करोड़, हम तुम्हें 60 करोड़ देंगे, हम तुम्हें 70 देंगे, हम तुम्हें 90 करोड़ रुपीज देंगे, हमें इस कंपनी को परचेज करना है। मान लो ये डील तुम्हारी फाइनल हो गई, बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्टिंग में जो हम लोग बेसिक बातें करते हैं उससे हमारा चैप्टर पूरा का पूरा स्टार्ट होता है भी, एक्चुअल में हमें करना क्या है। कोई कंपनी का बिजनेस चल रहा है या फिर मैं ये बोल दूं इंडिविजुअल कोई बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप किसी का बिजनेस चल रहा है, अगर तुम्हें उस बिजनेस को परचेज करना है, तुम्हारे माइंड में ये चल रहा है इसके लिए मैं कितनी भी कीमत देने को तैयार हूँ, अगर वो डील हमारी फाइनल हो गई, अगर वो डील हमारी फाइनल हो गई और इसके पूरे के पूरे बिजनेस को हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, इसके पूरे के पूरे बिजनेस को हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, बिजनेस को हम लोग परचेज कर रहे हैं, बिजनेस को हम लोग परचेज कर रहे हैं, कर लिया सर परचेज, परचेज करने के बाद बेटा अब तुम्हें ये देखना है कि जो बिजनेस तुमने परचेज किया है अब तुम उसको किस फॉर्मेट में रखना चाहते हो, कंपनी बनाना चाहते हो या पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हो या तुम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर यूज करना चाहते हो। किसी भी बिजनेस को परचेज कर रहे हो, चाहे तुम कंपनी एबीसी लिमिटेड को परचेज कर रहे हो या पार्टनरशिप फर्म को परचेज कर रहे हो या किसी इंडिविजुअल पर्सन का तुम बिजनेस खरीद रहे हो, अगर तुम्हें बिजनेस खरीदना है देन उसके बाद फिर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं भाई, अगर वो डील फाइनल हो गई अब तुम्हें स्टेटस कौन सा मेंटेन करके चलना है, उसको कंपनी बनाना है या कुछ और बनाना है। तो मैं ये मान के चलता हूं हम लोग इसको मेंटेन करके चलेंगे एज ए कंपनी, ठीक है, टू मेक एज ए कंपनी। कंपनी के तौर पर मैंने इसको मेंटेन करके चलना है, कंपनी के तौर पर मुझे इसको स्टेटस देना है। अब बताओ भी कंपनी के तौर पर क्या होगा, सर हम यहां पर गए थे इनके पास बिजनेस खरीदने के लिए, कब गए थे हम, गए थे सर 1 अप्रैल 2021 को, जो हमने इनका बिजनेस एक्वायर कर लिया, जो हमने इनका बिजनेस खरीद लिया वो हमने खरीद लिया सर 1 अप्रैल 2021 को, बिजनेस परचेज्ड। बिजनेस खरीदने के बाद सर बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है,
बिजनेस खरीदने के बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है। क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है भाई? एक्वायर करने के बाद इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाओ, ठीक है, कंपनी के फॉर्मेट के अंदर लेके आओ, अपने नाम इस बिजनेस को करवाओ, तो वो सारी की सारी फॉर्मेलिटी। अगर मैं ये बोल दूं कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो होते होते कुछ टाइम पीरियड बीत जाएगा, ये बात तो सही है, कुछ टाइम पीरियड लगेगा ना, ठीक है सर। वो टाइम पीरियड लगते लगते हमें मान लो यहाँ पर 6 महीने निकल गए, तो हम लोग क्या कह रहे हैं 1 अक्टूबर 2021 को कंपनी रजिस्टर्ड हो गई हमारे नाम पर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया बोल दो, या इनकॉर्पोरेट हो गई, इनकॉर्पोरेशन हो गया, कंपनी रजिस्टर्ड हो गई हमारे नाम पर कब? 1 अक्टूबर 2021 को। कितना टाइम बीत गया हमें खरीदे हुए कंपनी को? 6 महीने। बेटा हमें कंपनी को खरीदे हुए 6 महीने बीत गए, 6 महीने बाद कंपनी हमारे नाम पर रजिस्टर्ड हो गई। हो गई सर, कोई बात नहीं। अब मुझे बता दो इस 6 महीने के अंदर क्या हम लोग अपना बिजनेस करना छोड़ दिया होगा हमने? जो लाइव वाले बच्चे हैं रिप्लाई करो भाई, क्या इन 6 महीने में हमने कोई बिजनेस किया होगा? बताओ बेटा, क्या इन 6 महीने में हमने कोई बिजनेस किया होगा? किया होगा या नहीं किया होगा? रिप्लाई करो भाई, जो बच्चे लाइव हैं रिप्लाई करो। बाकी सर इन 6 महीने में भी हमने बिजनेस किया होगा, नॉर्मल सी बात है सर, बिजनेस क्यों नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये एक्टिविटी चलती रहेगी, डॉक्यूमेंट बनते रहेंगे, सर हमने बिजनेस किया है। बेटा जब तुमने बिजनेस किया है, जो नई कंपनी बनी है उसका नाम तुमने रखा है XYZ Limited, ठीक है ना, ये क्या है? ये है सर न्यू कंपनी XYZ Limited। पुरानी कंपनी थी या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप थी या पार्टनरशिप थी, हमें कोई मतलब नहीं है। जो अब स्टेटस बना है उसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? XYZ Limited। क्लियर? अब बताओ भी, XYZ Limited बन गई सर। सर जो इन्होंने 6 महीने बिजनेस किया है, ठीक है, उससे प्रॉफिट भी आया होगा, लॉस भी आया होगा, दोनों ही बातें हैं ना सर, नॉर्मल सी बात है, जहां बिजनेस करोगे प्रॉफिट भी आएगा, जहां बिजनेस करोगे वहां लॉस भी आएगा। अब बताओ इसको मैं क्या नाम दूं? क्या ये प्रॉफिट या लॉस है XYZ Limited का है? सर XYZ Limited तो 1 अक्टूबर को हुई थी, 1 अक्टूबर को रजिस्टर्ड हुई थी, यानी ये नाम तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं। रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? 1 अक्टूबर को हुआ था सर। तो यहां पर अब हम लोग क्या करें बताओ? ये जो भी प्रॉफिट हुआ है या फिर जो भी लॉस हुआ है रजिस्ट्रेशन से पहले जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री एक्विजिशन लॉस। बताओ बेटा यहां तक बात क्लियर? किसी भी स्टेटस को, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, जब तक वो हमारे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, अगर उससे पहले हमने कुछ भी सेल परचेज की है तो वहां पर प्रॉफिट या लॉस तो होगा, नॉर्मल सी बात है। उस प्रॉफिट या लॉस को हम लोग नाम क्या देंगे? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या प्री एक्विजिशन लॉस, ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग इसको प्री प्रॉफिट या प्री लॉस भी बोल सकते हैं। क्लियर यहां तक बातें? क्या ये जो प्री प्रॉफिट या प्री लॉस है बेटा, ये जो हमारे पास प्री प्रॉफिट या प्री लॉस है, क्या ये नॉर्मल एक्टिविटी है? क्या ये डेली रूटीन में होगा? प्री प्रॉफिट या प्री लॉस, क्या ये डेली रूटीन की आइटम है? क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? बताओ क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं सर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये कभी कभी होने वाली एक्टिविटी है। तो ऐसे प्रॉफिट को हमें नाम क्या देना चाहिए? सर ऐसे प्रॉफिट को हमें नाम देना चाहिए कैपिटल प्रॉफिट या फिर कैपिटल लॉस। बताओ बेटा यहां तक बात क्लियर? ऐसे प्रॉफिट को हमें नाम क्या देना चाहिए? कैपिटल प्रॉफिट या फिर कैपिटल लॉस। ये चीजें ना ऐसे ही फॉर्मेट के अंदर, चाहे रफली तुम लोग रिकॉर्ड कर लो, पर जरूर किया करो,
ताकि जब हम लोग रिवाइज करें तो थोड़ा सा हमारे माइंड में ये क्लैरिटी आए भी स्टार्टिंग में हमने क्या किया था। समझ गए? ये बात अलग, अभी एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बट एक्चुअल में हमारे माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए हमें ये चीजें जरूर रिकॉर्ड करनी चाहिए। ठीक है, क्या किया सर आपने? मैंने बेटा स्टार्टिंग में बस तुम्हें यही बोला, कोई कंपनी रनिंग में है और हमें उसके प्रॉफिट को देखकर हमारा मन कर रहा हम उसके बिजनेस को खरीदें। ठीक है, चाहे तुमने कंपनी खरीदी हो, चाहे तुमने किसी का सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस खरीदा हो या पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस खरीदा हो, खरीदने के बाद फिर तुम्हारा मन करता है भी मैं इसको कंपनी बना लूँ या फिर पार्टनरशिप फर्म बना लूँ या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप ही रखूँ। जब तुमने खरीदा है तब से तुमने काम करना स्टार्ट कर दिया, बट तुम्हारे नाम उस बिजनेस को होते होते टाइम लग गया, तुम्हारे नाम रजिस्टर्ड होते होते उसको टाइम लग गया, तो बताओ भी क्या होगा? क्या इतने टाइम पीरियड में तुम बिजनेस नहीं करोगे? सर हम बिजनेस तो करेंगे इस टाइम पीरियड के अंदर, बट इस टाइम पीरियड में जितना भी प्रॉफिट हमने कमाया है वो हमारी फर्म या हमारी कंपनी के नाम पर नहीं हो पाएगा, तो उसको हम लोग नाम क्या देंगे? प्री प्रॉफिट, या फिर हम लोग उसको नाम क्या देंगे? प्री लॉस। ये प्री प्रॉफिट या प्री लॉस जो भी है, ये भाई कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर यहां तक बातें? अगर सर ये कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस है तो इसको मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। ये बात क्लियर? मुझे इसको कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस को जो नॉर्मल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है उसमें ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। इस बात से सब बच्चे एग्री करते हैं? क्लियर यहां तक बातें? अब बेटा यहां पर दो चीजें आएंगी हमारे पास। एक तो ये आएगा कि जो मेरा ये प्री वाला सिस्टम चल रहा है, पहले तो मुझे क्या करना है? प्री और पोस्ट वाले प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना? जैसे मान लो यहां पर क्या हुआ था, 1 अप्रैल 2021 से लेकर कब तक का प्रॉफिट? 1 अक्टूबर 2021 तक का प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? प्री। प्री प्रॉफिट या प्री लॉस या फिर प्री प्रॉफिट लॉस। उसके बाद बेटा अगर मैं यहां पर चेक कर रहा हूं 31 मार्च 2022, जो मेरा ईयर एंड हो रहा है, अगर इस ईयर एंड पे हम लोग चेक करते हैं तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे? पोस्ट प्रॉफिट या फिर लॉस। इसको हम लोग नाम क्या देंगे? पोस्ट प्रॉफिट या फिर लॉस। ये बात क्लियर? हमारा जो अकाउंटेंट था उसने क्या किया, उसने पूरे साल को अलग अलग बाइफरकेट नहीं किया। ठीक है ना? अलग अलग डाटा नहीं बनाया भाई, उसने क्या किया, इकट्ठा ही बना दिया 12 महीने का। ठीक है, जस्ट लाइक मेरे पास में सेल है या फिर परचेज है, सैलरी का डाटा है, सेल्समैन की सैलरी है, या फिर हमारे पास में डिलीवरी मैन के चार्जेज हैं, वेजेज है, जितने भी खर्चे हैं सबको कंबाइंड दिखा दिया। अब तुम्हें क्या करना होगा? सर सबसे पहले तो मुझे ये बताना होगा प्री का पीरियड कितना है और पोस्ट का पीरियड कितना है। बताओ बेटा सचिन, प्री का पीरियड कितना है, पोस्ट का पीरियड कितना है? और पोस्ट के भी 6 महीने। सर यहां पर भी 6 मंथ है और यहां पर भी हमारे पास 6 मंथ है। अगर मैं दोनों के बीच में रेशो लेना चाहूं, ठीक है ना, जिसको अगर मैं बोल दूं प्री पोस्ट पीरियड रेशो, जिसको मैं क्या बोल दूं, प्री पोस्ट पीरियड रेशो बता दो। प्री पोस्ट का जो पीरियड है भाई, इसका रेशो बता दो। तो प्री पोस्ट पीरियड रेशो हमारे पास क्या आएगा? 6 मंथ 6 मंथ। यानी सर ये हमारे पास रेशो आ गया 1:1। ये हमारे पास रेशो क्या आ गया? 1:1 आ गया सर। ये बात क्लियर? तो पहले तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा रेशो क्या है। देन उसके बाद मुझे ये देखना होगा जो भी खर्चे वर्चे हम लोग देख रहे हैं वो हमें किस किस रेशो में डिवाइड करने चाहिए, वो हमें किस किस रेशो में डिवाइड करने चाहिए, वो हम लोग पूरी डिटेल देखेंगे। अच्छा भाई, इसका स्टडी मटेरियल तुम्हें डाउनलोड करने की या प्रिंट आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ गए? मेरा टारगेट ये है भी जो ऐसे वाले चैप्टर हैं जिनके अंदर हमें स्टडी मटेरियल की हेल्प नहीं चाहिए या जिसका डाटा मैंने स्टडी मटेरियल का ऑलरेडी मेरी प्रिंट आउट में डाल दिया, वही मैं तुम लोग को पहले करवा रहा हूँ। समझ गए? ताकि जल्दी से तुम लोग की बुक वगैरह आ जाए। क्लियर? चलो तो सर सबसे पहले हमने प्री पोस्ट का पीरियड निकाल दिया। अब सर मान लो बाकी जितने भी खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हैं, अब उनको मैं बाइफरकेट कैसे करूं? 1:1 के रेशो में कर दूं क्या? 1:1 के रेशो में कर दूं क्या? अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो 1:1 के रेशो में कर दो सर। इसको क्या बोलोगे? टाइम पीरियड रेशो। जो 1:1 का रेशो मैं यूज कर रहा हूं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड रेशो। मान लो पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है 1,20,000, तो क्या बोलोगे? 60,000 प्री का बिल है और 60,000 पोस्ट का बिल है।
ये बात क्लियर? 60,000 सर प्री का बिल है और 60,000 हमारे पास में पोस्ट का बिल है, ये बात क्लियर बेटा? अगर मैं कह रहा हूँ हम लोगों ने रेंट पे किया है पूरे साल में 15,000 रुपए, तो 1:1 की रेशो में डिवाइड कर दो, ठीक है, 7500 और 7500, क्लियर है सर? अब अगर मैं तुम्हें ये कह देता हूँ प्री के स्टार्टिंग के 6 महीने में, बेटा स्टार्टिंग के 6 महीने में जो हमारी सेल हुई है वो लास्ट के 6 महीने की बजाय हाफ हुई है। अब बात समझने की कोशिश करो, स्टार्टिंग के 6 महीने कौन कौन से बताओ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 6 महीने है सर। इनमें जो सेल हुई है और जो लास्ट के 6 महीने थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लास्ट के 6 महीने आ गए बेटा। अगर इनमें जो सेल हुई है, अगर मैं मान के चलूं एवरेजली सब में सेम है, ये तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। अगर मैं ये मान के चलूं यहां पर सेल हुई है एक्स रुपीज, तो मुझे यहां बता दो यहां अब सेल कितनी कितनी हुई होगी। स्टार्टिंग के जो हमारे 6 मंथ हैं उसमें सेल कितनी हुई होगी? हाफ हाफ। बेटा टेस्ट होगा तुम लोग का, अभी तुम लोग फ्री हो क्या? ठीक है, अभी फ्री हो तो ऊपर जाओ और नितेश को बोल दो जो हमारा रजिस्ट्रेशन का टेस्ट है जिसमें 6 या 7 क्वेश्चन है, वो तुम लोग का लेना स्टार्ट कर दे, यहां बिठाकर या जहां भी बिठाना है। इन बच्चों का टेस्ट होगा 3 बजे, ठीक है? बट अगर तुम लोग चाहते हो भी हम भी 3 बजे दें टेस्ट, तो तुम लोग भी 3 बजे दे सकते हो, ठीक है? अब जैसा मन करे वैसा कर लो। क्लास आज जीएसटी की क्लास नहीं है, ठीक है, जीएसटी की क्लास नहीं है अभी। चलो भाई, अगर मैं ये कह रहा हूं लास्ट के 6 मंथ में जो हमारी सेल आ रही है, बेटा ध्यान से देखो, दोबारा से आ जाओ टॉपिक के ऊपर, वो हर महीने एक्स रुपीज की आ रही है, तो स्टार्टिंग के 6 महीने में सेल कितनी होगी? हाफ एक्स, बिकॉज हमने क्वेश्चन में यही बोला है ना। बताओ बेटा हमने क्वेश्चन में क्या बोला है? सर आपने क्वेश्चन में यही बोला है स्टार्टिंग की जो सेल हो रही है 6 महीने के अंदर, हर महीने जो सेल हो रही है स्टार्टिंग की, वो लास्ट के कंपेरिजन में क्या हो रही है? हाफ हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया सर, लास्ट के 6 महीने में सेल अगर XXXX रुपीज की होगी तो हमारे पास अभी कितनी हो जाएगी? हाफ एक्स की। ये बात क्लियर है? बताओ अभी इनका टोटल करना एक बार, ठीक है? अब इनका टोटल कर लो, सेल रेशो बता दो मुझे। सेल रेशो क्लियर? सारे खर्चे टाइम रेशो पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें जरूरी नहीं है। अगर ऐसे बाइफरकेट करके इंफॉर्मेशन गिवन है सेल रेशो की, तो जो खर्चे सेल, जो इनकम सेल में दी हुई है या फिर जो खर्चे सेल से रिलेटेड हैं, उनको हम लोग सेल रेशो में लेकर जाएंगे। सर कौन कौन से खर्चे वो हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट लाइक हमारे पास में बैड डेब्ट्स हैं, सेल के ऊपर डिपेंड होती है। डिलीवरी चार्जेस सेल के ऊपर डिपेंड है। कोई सेल्समैन कमीशन एजेंट है तो वो भी किसके ऊपर होगा? सेल के ऊपर होगा। क्लियर यहां तक बातें? ठीक है, नोटिंग पूरी की पूरी करनी है। अब बताओ भी अगर मैं ये बोलता हूं भी स्टार्टिंग के 4 महीने के अंदर, बेटा अब देखना ध्यान से, स्टार्टिंग के 4 महीने में, पीरियड अभी भी वही चल रहा है, स्टार्टिंग के 4 महीने के अंदर जो हमारी सेल आ रही है वो हाफ हाफ आ रही है नेक्स्ट 8 मंथ के कंपेरिजन में। तो मैं एक बार दोबारा से लिख दूं ताकि यहां पर तुम्हें प्रॉब्लम ना आए, तो मैं एक बार इसको दोबारा से लिख देता हूं। ये लो भाई, स्टार्टिंग के 6 महीने कौन कौन से हैं? अप्रैल, मई, जून, कम से कम ये तो बोल दो लास्ट के। अब बताओ बेटा क्या करें? सर अब आप बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? स्टार्टिंग के 4 महीने के अंदर जो हमारी सेल है वो हाफ हाफ है, तो इसका मतलब बाकी में सेल कितनी है? सर फुल है, जिसको आप XX अज्यूम कर लो। बताओ बेटा यहां तक बात क्लियर? अब हाफ हाफ कर दो इनका। तो प्री वाले पीरियड के अंदर टोटल करके बताओ मुझे कितना आया? जो भी लाइव वाले बच्चे हैं बताओ भाई,
साथ साथ में क्लियर हो रहा है ना बेटा, कितना आएगा? और यहां 6x, ये बात क्लियर हुई? जो बच्चे लाइव हैं रिप्लाई करो भाई, ये बात क्लियर? यानी कब हाफ हो रहा है, कब डबल है या कब सिंगल है, मुझे तो ये देखना है प्री वाले पीरियड में कितना है और पोस्ट वाले में कितना है। समझ गए मेरी बात? अब बताओ भी यहां सेल रेशो क्या हो जाएगा? यहां सेल रेशो हो गया सर मेरे पास 2:3। बताओ बेटा यहां तक बात क्लियर? अभी कुछ और चेंज करें? कर दो सर। ये लो भी स्टार्टिंग के 6 महीने हम लोग दोबारा लिख लेते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग सेल रेशो निकाल रहे हैं, इसके बाद इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अभी तक अकाउंट के कितने चैप्टर हो गए? 3 हो गए। ये कौन सा चल रहा है? फोर्थ। टोटल कितने हैं? 14। ठीक है ना? चलो बेटा अब देखो भाई, अब क्या बोला गया इसके अंदर? इन्होंने कुछ स्पेशल मंथ के लिए बोल दिया, कुछ स्पेसिफिक मंथ के लिए बोल दिया, सीजन था वहां पर सेल क्या हुई है, डबल हुई है, ट्रिपल हुई है। क्या बताया है सर? एक तो बताया है जुलाई के लिए, जुलाई में जो सेल है वो डबल हुई है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं उसको 2x लिख देता हूं। एक क्या बता दिया हमारे पास में, नवंबर में जो सेल हुई है वो डबल हुई है, जनवरी में जो सेल हुई है वो डबल हुई है, ठीक है। अब कुछ टाइम पीरियड ऐसे भी हैं जहां पर बताया बहुत ही मंदी का टाइम चल रहा था और सेल बहुत कम हुई, कब? स्टार्टिंग के 2 महीने के अंदर, स्टार्टिंग के 2 महीने के अंदर सेल बहुत ही कम हुई है, कोई बात नहीं, कम हुई है तो कम सही, हमें तो उससे कोई मतलब ही नहीं है वो लोग कितना कमा रहे हैं, हमें तो इस चीज से मतलब है कितना कमाया है ये बता दो। अब बताओ भी रिमेनिंग में मैं क्या पुट करूं? ये लो, ये लो बेटा, कैलकुलेशन बड़ी आ गई, तुम लोग मुझे टोटल करके बताओ। बताओ बेटा यहां तक बात क्लियर? अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन कर दिया जाए सर फरवरी और मार्च में तो लॉकडाउन ही था, बिल्कुल भी सेल नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, हम लोग एक्स की बजाय वहां क्या लिख देंगे? 0। उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर किसी मंथ के अंदर ये बोल दिया जाए भी बिल्कुल भी सेल नहीं हुई, तो इसका मतलब वहां 0 लिख दो। क्लियर यहां तक बातें? अब बताओ भी सेल रेशो निकालने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है? चलो भी एक बार वो प्रिंट आउट निकालो। रविंदर बेटा तुमसे ना कितनी भी एक्स्ट्रा तुम्हें समझाने की कोशिश कर लो फायदा ही नहीं होता। चलो भी क्वेश्चन नंबर 1, वाई लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2001। ठीक है, कहीं छोटी मोटी मिस्टेक प्रिंटिंग की या फिर कुछ वर्डिंग की मिल सकती है, बिकॉज ये फाइनल के अंदर मैंने पूरा पूरा चेक नहीं किया था, तो एक बार थोड़ा सा देखते हैं भाई। वाई लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2001। वाई लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 जुलाई 2001 को, टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड। बिजनेस टेक ओवर कब कर लिया? 1 अप्रैल 2001 को। तो मुझे बता दो प्री और पोस्ट वाला पीरियड कितना है? 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई, अप्रैल मई जून, सर 3 महीने हमारे पास प्री वाले हैं और 9 महीने हमारे पास क्या है? पोस्ट वाले। बस इतना पूछा है। प्री वाला टाइम पीरियड कितना है? 3 महीने का सर। तो बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट में आ जाओ, क्यू लिमिटेड को हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है कब? 1 अगस्त 2001 को, टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड फ्रॉम 1 मई 2001। सर रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 अगस्त को,
बट हमने कब खरीदा है? 1 मई को, मई जून जुलाई, 3 महीने का टाइम आ गया प्री वाला। अब पोस्ट के 9 मंथ नहीं है, पोस्ट के बेटा यहां पर 9 मंथ नहीं है, पोस्ट के देखो कितने मंथ हैं, अगस्त से आगे काउंट करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ हैं। सर इतना देखने की जरूरत नहीं थी, 1 मई है यहां पर, 1 अप्रैल होता तो पूरे 12 महीने होते, तो इसका मतलब 11 महीने आएंगे, तो 3 और 8 का यहां पर रेशो आ जाएगा। क्लियर बात? मंथ ही काउंट किए और हमने कुछ भी नहीं किया। क्लियर? चलो बेटा, मेघा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2016, ये कंपनी यहां पर इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अगस्त 2016 को, टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मैसर्ज हैप्पी विद एसेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मैसर्ज हैप्पी विद एसेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वर क्लोज ऑन 31 मार्च 2017। बताओ भाई, अकाउंट्स वगैरह जो हमारे पास में क्लोज किए जा रहे हैं वो कब किए जा रहे हैं? 31 मार्च 2017 को। द एवरेज मंथली सेल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ, पहले 4 महीने की एवरेज जो मंथली सेल है, वाज ट्वाइस द एवरेज। अच्छा, वो बच्चे अभी कैश दे रहे हैं क्या? सवा 2 बज गए, ठीक है, 5 मिनट की कोई बात नहीं, सवा 3, 3:20 दे दें, बट उससे ऊपर नहीं, ठीक है, छीन लेना भाई। और थोड़ा सा ये भी ध्यान देना, वो लोग नीचे कोई नोट्स वोट्स लगा के बैठे। हाँ भाई, क्या बोला जा रहा है? एवरेज मंथली सेल आ रही है हमारे पास में ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ, पहले 4 महीने में जो हमारे पास सेल थी 2016-17 की बात चल रही है, वाज ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल ड्यूरिंग ईच ऑफ द रिमेनिंग 8 मंथ। समझ गए? यानी लास्ट वाले में क्या है, एक्स एक्स है, और स्टार्टिंग वाले में क्या है, 2x 2x है। क्लियर? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टाइम रेशो एंड सेल रेशो फॉर प्री एंड पोस्ट पीरियड। तो बेटा पहले 2016 की बात करो, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर 2 साल का डाटा दे दिया तो हमें कर दिया थोड़ा सा कंफ्यूज, और कुछ भी नहीं है। वैसे 2 साल भी नहीं है, यहाँ पे 1 ईयर ही चल रहा है, बट हमें 16-17 बोल रहे हैं तब हमें लग रहा है 2 ईयर है। क्लास क्यों एक्सपायर कर दी? हर वो चीज होती है इस बैच में